स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस लेते ही मार देता था। लोमश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलवाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी निहुष नाम का राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिया सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेली के साथ वहाँ बैठ कर संतान सप्तमी व्रत कथा व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वे भी इस व्रत को रखा करेंगी। लेकिन समय अंतराल में जे भूल गई। समय का चक्कर चलता रहा और रानी और उनकी सहेली दे त्याग कर परलोक चली गई। फिर उनका पशु समेत अनेक जोनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखेश्वरी नाम का राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें ज्ञात थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ऐश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ऐश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने उस ऐश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ऐश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।